से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जनवरी 2022 में जारी होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी अगले महीने से चलेगी। जी हाँ दोस्तों, क्लर्क और एजेई के लिए यहाँ पर वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। क्लर्क के लिए 12वीं पास, जबकि असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के लिए इंजीनियरिंग डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं जल निगम भर्ती 2022 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, वाटर कॉरपोरेशन जल निगम के अंतर्गत भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्लर्क असिस्टेंट इंजीनियर एई और जूनियर इंजीनियर जेई की पोस्ट है। यहाँ पर वैकेंसीज की बात की जाए तो क्लर्क के लिए यहाँ पर देख सकते हो 100 वैकेंसीज है, एई जेई के लिए 740 वैकेंसीज है। टोटल 840 वैकेंसीज है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जाएंगे। बात अगर इंपोर्टेंट डेट्स की जाए तो आवेदन इसके लिए जनवरी 2022 से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट अप्लाई करने की फरवरी 2022 में है। सैलरी 5200 से 20200 है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12वीं पास और डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है। जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये फीस है, एसएसटी के लिए 300 रुपये है। पीएच के लिए कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है jn.upsdc.gov.in और uptsc.gov.in पोर्टल से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के लिए बाकी की जानकारी के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है। न्यूज़पेपर का नोटिफिकेशन है। जल निगम में एई और जेई समेत 840 पदों पर शुरू होगी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, जल निगम में तकनीक स्टाफ की बड़ी कमी को दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। अभियंताओं के 740 व लिपिक यानी कलर के 100 पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। यह भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग चयन आयोग के माध्यम से होगी। जल निगम में कुल 13,317 पदों में 4,300 पद खाली चल रहे हैं। सबसे ज्यादा कमी अवर अभियंताओं की है। कुल 2,517 पदों में 1,544 खाली पड़े हैं। महज 953 अवर अभियंताओं की कार्यरत है। सहायक अभियंताओं के 797 पदों में 209 खाली है। इसी तरह अधिशासी अभियंता के 194 में 88 व अधीक्षण अभियंताओं के 151 पदों में 116 पद खाली पड़े हैं। अगले 5 वर्षों में 2,045 पद और रिक्त हो जाएंगे। जल निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार तृतीय ने पत्रकार वार्ता में बताया कि तकनीकी स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए यहां पर सहायक अभियंता सिविल के 80 व सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक के 18 कुल और 98 पदों तथा अवर अभियंता सिविल के 518 व अवर अभियंता विद्युत या यांत्रिक के 124 पदों कुल 642 पदों पर लोक सेवा आयोग से भर्ती के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। तो दोस्तों यहां पर ये कंप्लीट अपडेट है जो आप यहां से रीड कर सकते हो। बाकी की जानकारी के लिए हमारे पोर्टल पर लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जब से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हो और बाकी की जानकारी के लिए आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। यूपी जल निगम की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर